हेलो बच्चों, जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है बीमा, आप पढ़ रहे हैं बीमा में कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। वैसे तो अधिकतम से लोग पढ़ाई तो कर नहीं रहे, केवल एक बच्ची थी गुंजन, वो सभी क्वेश्चन का जवाब दी, सब उसका आंसर भी सब क्लियर है। उसका दो क्वेश्चन छूटा था जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उस क्वेश्चन का हम आंसर बता दे रहे हैं आपको। जो पूछी थी वैद्युत धारिता की बीमा क्या होती है, वैद्युत विभव की बीमा क्या होती है, तो दोनों की बीमा इस टॉपिक में हम आपको हल करके दे रहे हैं। कोशिश करिए पढ़ने के लिए, आप सरकार साफ भी नहीं दे रही है आपको क्या करेंगे आप। तो धारिता बराबर होता है Q/V, क्यू क्या है आवेश है और वी क्या है विभव है, तो यहाँ से दोनों की बीमा निकल जाएगी। तो विभव की बीमा कैसे निकालेंगे, आपको पता है V बराबर होता है W/Q, ये V स्क्वायर टू होता है और वह भी C बराबर होता है। Q की बीमा क्या होती है, Q बराबर IT होती है, I मतलब धारा, T मतलब समय, तो I A हो जाएगा, T हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं AT हो जाएगा। अब कार की बीमा लिखेंगे, कार M L² T के पावर -2, ये क्या हो जाएगी कार की बीमा और ये क्या हो जाएगी AT की बीमा, तो लिख सकते हैं M L T के पावर -3 A के पावर -1, ये किसकी बीमा आ जाएगी आपकी, ये जो बीमा आएगी आपकी लिख सकते हैं क्या पोजीशन बन सकता है, B की बीमा आ जाएगी। या हम ऐसा कर सकते हैं, एक साधारण तरीका आपको बता दें, इसकी बीमा तो क्लियर हो गई, यहाँ रख दीजिए इसका मात्रक है, मात्रक रखिए कूलम प्रति जूल प्रति कूलम, इस तरह तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे जूल हो जाएगा। अब Q बराबर AT कर दीजिए और जूल की बीमा रख दें, जूल मतलब W की बीमा, तो M L² T के पावर -2, ये किसकी बीमा आती है, W की बीमा आती है, तो इसका मान रखने से क्या मान निकल जाएगा A² T² और यहाँ हो जाएगा M L² T के पावर -2। आप इसको लिख सकते हो L है, ये M है तो पावर -m हो जाएगा, L है तो -2 हो जाएगा, T के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, T के पावर 4 हो जाएगा और A के पावर कितना जगह 2 आ जाएगा। ये किसकी बीमा निकल गई, ये धारिता की बीमा आ गई, L के पावर -1 आ गया, L के पावर -2 आ गया, T के पावर 4 आ गया, A के पावर 2 आ गया, ये हमारी बीमा किसकी आई, धारिता सी का बीमा आई, जिसका मात्रक क्या होता है फैरड होता है, इसका मात्रक क्या था फैरड होता है। तो इस तरह इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, तो मात्रक यहाँ लिखने की जरूरत आपको नहीं, केवल आपसे पूछा गया है उसकी बीमा, तो आपने क्या कर लिया बीमा को ज्ञात कर लिया, यहाँ तक क्लियर। अब पूछ रहा है किसकी बीमा, वी की बीमा, वी मतलब विभवांतर या विभव की बीमा, तो कार की बीमा आप रख दिए और AT की बीमा रख दिए, तो इसको लिख सकते हैं इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो M L² T के पावर कितना जगह -1 तो -2 -3 और इसके पावर कितना जगह -1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा विभव की बीमा आ जाएगी। तो ये दोनों बहुत आसान टॉपिक थे और आपने क्या कर लिया इसको ज्ञात कर लिया, तो इसका साथ इसके लीजिए। फिर इस टॉपिक में हमें एक नए सिलेबस मतलब इसी टॉपिक में चलेंगे, इसी आपका जो चैप्टर है इसी में चलेंगे, चर राशियों के बारे में चलेंगे, तो इसका साथ इसके लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलो चलते हैं, अब टॉपिक हमारा है विभिन्न प्रकार के चर तथा आचर। तो ये मैथ पोजिशन में आप पढ़ेंगे चर क्या होता है आचर क्या होता है, तो मैथ के आधार पर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो हम बीमा के आधार पर पढ़ेंगे चर क्या होता है आचर क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक बनेगा विनिमय चर क्या होता है,
विनिमेयचर। तो आपसे पूछा जाएगा विनिमेयचर क्या है, तो आप सिंपल बताइएगा वे भौतिक राशियां जिनका मान क्या होता है चर होता है, जिनका मान क्या होते हैं चर होते हैं और जिनकी विमाएं होती हैं। वे भौतिक राशियां जिनके मान क्या होते हैं चर होते हैं और जिनकी विमाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं विमीय चर कहते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके मान चर होते हैं तथा जिनकी विमाएं होती हैं उसे विमीय चर कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे में आपका आयतन है, वेग है, बल है, आयतन वेग बल इत्यादि। आप ये चीज तो सबकी बीमा आपने क्या किया पढ़ा भी है, आयतन की बीमा भी पढ़ा, वेग की बीमा भी पढ़ा है और बल की बीमा भी पढ़ा। अब आपसे पूछा जाएगा बीमाहीन अचर क्या होता है, अचर क्या होता है, ध्यान देना बीमाहीन चर यानी जिनकी बीमा नहीं होंगी। आप परिभाषा दे सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती परंतु मान क्या होते हैं चर होते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनकी, वे भौतिक राशियां जिनकी बीमा नहीं होती है, बीमा नहीं होती है परंतु मान चर होते हैं उसे बीमा ही चर कहते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं आप बीमा किसकी, जैसे कोण की बीमा नहीं होती है, जैसे कोण की बीमा, अब कोण में आपका कॉस थीटा भी आ सकता है, कोण हो जाएगा विकृति हो जाएगी, अपेक्षित घनत्व हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और हम क्या कर सकते हैं आदि कर सकते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं बीमाहीन चर कहलाते हैं। इसी प्रकार बीमी अचर के बारे में पढ़ेंगे, वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं होती हैं परंतु जो मान होते हैं वो अचर होते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे आप साथ स्केल लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे विमीय अचर क्या होता है, जैसे विमीय चर पढ़ेंगे वैसे हम पढ़ेंगे विमीय चर क्या होता है। वे भौतिक राशियां जिनकी विमाएं होती हैं परंतु मान क्या होते हैं अचर होते हैं उसे हम विमीय अचर कहते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां
जिनके जिनकी भौतिक राशियां जिनकी जिनकी बीमा होती है बीमा होती है परंतु मान अचर होते हैं वे विमीय अचर कहलाते हैं कहलाते हैं कहलाते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक नाम सुने होंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक निर्वात में क्या लिख सकते हैं निर्वात में निर्वात में प्रकाश प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग एक और पढ़ेंगे प्लांक नेता स्थिरांक प्लांक स्थिरांक इत्यादि ये क्या है विमीय अचर हैं वे भौतिक राशियां जिनकी विमा होती है परंतु मान अचर होते हैं उसे वे विमीय अचर कहलाते हैं जैसे क्या हो सकता है जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक निर्वात में प्रकाश का वेग प्लांक स्थिरांक ये आदि हो जाएंगे इसी के बाद हम पढ़ेंगे विमाहीन अचर क्या होती है विमाहीन अचर यहां से भाषा बना सकते हो वे भौतिक राशियां जिनके जिनकी बीमा नहीं होती है नहीं होती है परंतु इनके मान अचर होते हैं अचर होते हैं वे बीमा हीन अचर कहलाते हैं कहलाते हैं जैसे क्या हो सकता है एक दो तीन हो सकता है पाई ई पूर्णांक कोई संख्या हो या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं पूर्ण संख्या वो आपके पता है एक दो तीन ऐसे डालर कुछ भी हो सकते हैं तो ये सब जो होते हैं उनकी बीमा अचर के रूप में कहलाते हैं अब हम पढ़ेंगे बीमाओं के अनुप्रयोग कुछ हैं तो बीमाओं के अनुप्रयोग थोड़ा सा टॉपिक लंबा है आपके लिए तो सबसे पहले इसका साथ स्क्रीन लीजिए तो आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ थैंक यू